ఇంక నేను నిన్ను కలవకపోవచ్చు రాజు. సారీ. మీరు ఎవరు పట్టించుకుంటలేరా? రోడ్ల మీద ఏడ్చుకుంటా తాక్కుంటే విరుగుతుంది. हाय हेलो एवरीवन, मैं रीस खान, आप सबका स्वागत करता हूँ साउथ इंडियन मूवीज पर। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको साउथ की कुछ बेस्ट टॉप नॉच लव स्टोरी वाली फिल्मों के बारे में बताने वाला हूँ, जिन फिल्मों को आपने डेफिनेटली मिस कर दिया होगा। तो अगर आप इन मूवीज को देखकर इन्हें एंजॉय करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखना, आपको ये कन्फर्मली पता चल जाएगा कि कौन सी मूवी आपके लिए वर्थ टू वॉच है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेक श्योर कि आपने अभी तक वीडियो को लाइक कर दिया है और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, ताकि आगे भी आपको ऐसी ही बेस्ट मूवीज के सजेशन सबसे पहले मिलते रहे। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। तो नंबर 5 पर है महासमुंद्रम। इस मूवी की स्टोरी वाइजे के अंदर दो क्लोज फ्रेंड विजय और अरुण पर फोकस करती है। विजय की गर्लफ्रेंड होती है जिसका नाम महा होता है, लेकिन विजय जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में उसके साथ एक दिन ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जिसके बाद उसे अपनी प्रेग्नेंट लवर महा के साथ साथ वाइजे को भी छोड़कर वहां से जाना पड़ता है। और विजय की जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो सब कुछ अर्जुन के ऊपर आ जाती है। और काफी टाइम बीतने के बाद जब विजय वाइजे वापस नहीं आता है तो उसका क्लोज फ्रेंड अर्जुन ही महा की रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेता है। इस मूवी की प्रोडक्शन वैल्यूज काफी अच्छी रही है और जिस मैनर के अंदर इसे वाइजे के अंदर सेट किया गया है वो भी काफी इंप्रेसिव लगता है। अदिति राव अपने रोल के अंदर परफेक्ट सूट कर जाती है, लेकिन सेकंड हाफ के अंदर उनका ज्यादा स्कोप नहीं होता है। वैसे तो मूवी के अंदर इंप्रेसिव बैकड्रॉप और साथ ही ड्रामा के लिए सॉलिड स्कोप है, लेकिन फिर भी मूवी के मेकर्स उन्हें अच्छी तरीके से यूटिलाइज नहीं करते हैं। लास्ट नॉट द लीस्ट, सर्वानंद ने भी अपने रोल को सुपरबली प्ले किया है और उन्होंने अपने रोल के अंदर काफी इंटेंसिटी दिखाई है और ऑलमोस्ट ये पूरी मूवी उनके ही शोल्डर पर कैरी होती है। और सिद्धार्थ के साथ जितने भी उनके सीन आते हैं वो वेल तरीके से हैंडल किए गए हैं। बाकी 2021 में इस रोमांटिक एक्शन ड्रामा मूवी को रेटिंग मिली है 5 की और ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगी। नंबर 4 पर है लुका। अकबर नाम का एक ऐसा पुलिस ऑफिसर जो कि एक केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, लेकिन केस की इन्वेस्टिगेशन करते करते उसे एक ऐसी डायरी मिलती है जो कि कोची के रहने वाले स्क्रैप आर्टिस्ट लुका और उसकी गर्लफ्रेंड निहारिका के बारे में होती है। और जब अकबर उस डायरी को पढ़ना शुरू करता है तो उसे पता चलता है कि लुका और निहारिका की लाइफ के अंदर क्या क्या हुआ था। इस मूवी के प्लॉट के पास नेचर के लिए आर्टिस्टिक टच है जो इस तरह से प्रेजेंट किया है जो आपको बिल्कुल भी बोर फील नहीं होगा। इस मूवी की स्टोरी कोचिन बेस्ड आर्टिस्ट लुका और उसके इनर टर्मोइल जो कि उसके अतीत की वजह से होते हैं उसके आसपास घूमती रहती है। और जितना इस मूवी के अंदर इन्वेस्टिगेशन और थ्रिल वाला फैक्टर चलता रहता है उतना ही ब्यूटीफुल इस मूवी के अंदर रोमांस दिखाया जाता है। और मूवी के लीड पेयर तोविनो और एहाना इस मूवी की इंटेंस लव स्टोरी को ब्रिलियंटली पोर्ट्रे करते हैं। वैसे तो ये मूवी मेजरली फोकस करती है लव, इनर इमोशंस, आर्टिस्टिक फ्रीडम, लेकिन कहीं ना कहीं आपको क्लाइमेक्स को देखकर थोड़ा सा बुरा फील होगा। बाकी 2018 में इस रोमांस ड्रामा मूवी को रेटिंग मिली है 7 की और ये मूवी आपको Amazon प्राइम वीडियो पर देखने को मिलेगी। नंबर 3 पर है कटम रायडू। रायडू और उसके चार भाई अपने गांव के अंदर हैप्पीली रहते हैं। रायडू सबसे बड़ा होता है जो काफी स्ट्रिक्ट और सीरियस होता है और रायडू कभी शादी नहीं करना चाहता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अगर उनकी फैमिली के अंदर कोई लड़की आई तो फिर रायडू और उसके भाइयों के बीच में प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएगी। लेकिन रायडू के उल्टा उसके चारों भाई तो किसी न किसी लड़की से प्यार करते हैं और वह शादी भी करना चाहते हैं। కండ బలం కరిగిపోతే अनडाउटली इस मूवी का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है पवन कल्याण सर और वो बड़े भाई के कैरेक्टर के अंदर परफेक्टली सूट कर जाते हैं और एंटायर फिल्म को अपने ही कंधों पर कैरी करके चलते हैं। उनके ट्रेडिशनल लुक से लेकर उनके क्लासी डायलॉग तक पवन कल्याण अपने कैरेक्टर को फुल जस्टिफाई कर देते हैं और अपनी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस से सभी को इम्प्रेस तो करते ही है। वही श्रुति हसन को इस मूवी के अंदर पवन कल्याण सर के लव इंटरेस्ट के लिए परफेक्टली कास्ट किया गया है और पवन कल्याण सर के साथ जितने भी उनके रोमांटिक सीन्स आते हैं वो यूजली एंटरटेनिंग होते हैं। के फर्स्ट हाफ के अंदर आपको डिसेंट कॉमेडी के साथ साथ थोड़ा बहुत रोमांस देखने को मिलेगा, लेकिन सेकंड हाफ एक्शन सीक्वेंस के अंदर बदल जाता है। बाकी 2017 में इसे एक्शन रोमांस मूवी को रेटिंग मिली है 5.6 की और ये मूवी आपको YouTube पर देखने को मिलेगी। नंबर 2 पर है सवारी। राजू जो कि एक गरीब लड़का होता है जो अपने घोड़े बादशाह के साथ रहता है और वे बादशाह के थ्रू ही पैसे कमाता है, लेकिन एक दिन राजू को यह पता चलता है कि उसका घोड़ा बादशाह एक रेयर बीमारी से सफर कर रहा है और उसकी सर्जरी करवानी होगी, लेकिन सर्जरी के लिए काफी पैसे चाहिए होंगे। लेकिन राजू की प्रॉब्लम बड़ी तब हो जाती है जब एक दिन उसका घोड़ा बादशाह गायब हो जाता है और ये रेस्ट ऑफ द स्टोरी इसी बात पर फोकस करती है कि राजू अपने घोड़े बादशाह को कैसे ढूंढता है। सवारी, जय सवारी।
हीरो नंदू इस मूवी का मेजर हाईलाइट है, जो खुद को इस मूवी सवारी से रीडिस्कवर करता है। और अब तक तो उन्होंने सिर्फ सॉफ्ट रोल से किए थे, लेकिन इस मूवी से उन्होंने ये साबित कर दिया है कि वो मास रोल के अंदर भी एकदम सूट हो सकते हैं। और नंदू का जो अपने घोड़े के साथ इमोशनल कनेक्शन होता है, जो सिंसियरिटी होती है, वही उनके रोल को बेस्ट बनाता है। वैसे तो मूवी के अंदर नंदू और उसके घोड़े के बीच में इमोशंस को और भी ज्यादा एलिवेंट करने के लिए काफी स्कोप होता है, लेकिन मूवी के डायरेक्टर उसका फुल अप यूज करने में फेल हो जाते हैं। वही अगर हीरोइन प्रियंका की बात करें तो वो भी अपने रोल के अंदर एकदम परफेक्ट होती है और उनका मास अवतार काफी अच्छा लगता है। और नंदू के साथ जो उनकी स्क्रीन प्रेजेंस होती है वो कहीं कहीं पर इम्प्रेसिव भी लगती है। बाकी 2020 में इस रोमांटिक कॉमेडी मूवी को रेटिंग मिली है 5.2 की, और ये मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलेगी। तो नंबर 1 पर है संजीवन। विनोद जो कि एक स्नूकर प्लेयर होता है, जिसे एक दिन ये चैलेंज किया जाता है कि वो एक टूर्नामेंट का हिस्सा बने, और फिर विनोद के दोस्त भी उसे एनकरेज करते हैं कि वो उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करे। लेकिन उस टूर्नामेंट का हिस्सा बनने के बाद विनोद और उसके सारे फ्रेंड्स की लाइफ के अंदर ऐसे ऐसे चेंजेस आते हैं जिसके बारे में उन्होंने कभी भी इमेजिन नहीं किया था। और ये रेस्ट ऑफ द स्टोरी इसी बात पर फोकस करती है कि आखिर उस टूर्नामेंट के अंदर ऐसा भी क्या होता है। मूवी का प्लॉट काफी हद तक इंटरेस्टिंग है, जिसे बिना कहीं पर भी ओवरबोर्ड किए काफी कन्विंसिंग मैनर के अंदर प्रेजेंट किया जाता है। और मूवी के डायरेक्टर ने काफी चीजों को सिंपल रखने के साथ साथ रियलिटी के काफी क्लोज रखा है, जिस वजह से ये मूवी एक बार तो डिसेंट देखने लायक बनी जाती है। वैसे तो दिव्या दुरईस्वामी को मीटी रोल मिला है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने रोल को काफी वेल तरीके से यूटिलाइज किया है। और इसी के साथ मूवी के अंदर मोस्ट ऑफ द एक्टर्स न्यू कमर्स होते हैं, लेकिन फिर भी सभी ने सीजलन परफॉर्मेंस डिलीवर की है। ओवरऑल बात करें तो ये कॉमेडी स्पोर्ट थ्रिलर मूवी वन टाइम तो वॉचेबल है। तो गाइज ये थी साउथ की कुछ बेस्ट लव स्टोरी वाली फिल्म है, जो आपको एक बार तो डेफिनेटली वॉच करनी चाहिए। तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो के अंदर ऐड की गई मूवीज भी। तो अगर आपको वीडियो के अंदर जरा सा भी कुछ पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।